92% businesses fail in the first 10 years of their existence. If you don't want to be among these 92% businesses which fail, then please listen this video carefully. First reason of the failure of the businesses is कि उनको ये ही नहीं समझ में आता है कि business एक inside out approach है. आप अपनी प्योर पोटेंशियलिटी को यदि बिजनेस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो ना आप उसमें पैशन ढूंढ पाएंगे, ना प्रॉफिट ढूंढ पाएंगे, ना पर्पस ढूंढ पाएंगे और आपका बिजनेस फेल हो जाएगा. दूसरा रीजन बिजनेसेस के फेल होने का ये होता है कि फाउंडर्स और बिजनेस ऑनर्स ये नहीं समझ पाते कि बिजनेस इज एन 80% साइकोलॉजी एंड 20% रेस्ट ऑफ द थिंग. आप 80% सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान दें, बाकी का 20% दुनिया अपने आप मैनेज हो जाएगी. तीसरी बात जो बिजनेस ऑनर्स को ध्यान रखनी होती है वो ये है कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन एज ए स्ट्रेटेजी और इनोवेशन एज ए स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जाए. फोर्थ थिंग दैट बिजनेस लीडर्स शुड अंडरस्टैंड इज दैट बिजनेस इज अ सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी. If you are not developing a system in your business consistently, you are just working on day-to-day activities, then you are not running business. Business is running you. And fifth thing that business owners do not understand is that business is an infinite game. It should be a multi-generational in nature. आप सिर्फ ये आज का profit, कल का नुकसान दिमाग में मत रखें. आप ये दिमाग में रखिए कि आपको एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना है विच सर्व्स टू योर नेक्स्ट जनरेशन इवन. द लास्ट थिंग दैट बिजनेस ओनर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट बिजनेस इज अ मल्टी जनरेशनल गेम. डेवलप अ बिजनेस विच सर्व्स टू योर नेक्स्ट 3, 4, or 5 जनरेशन, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस ओनर. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ टू डेवलप दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस, then please click on the link below to join our next workshop and we are going to have a detailed discussion on these elements.